आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और इस वक्त मैं राजभवन में मौजूद हूँ, जहाँ पे फूलों का उत्सव लगा गया है और वहीं पे एक स्टॉल लगाया गया है जिसका नाम है स्पेशल टीरी नट। नट तो हमारी पहाड़ की बहुत फेमस होती है। तो हमारे साथ विकास जी हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब इसकी शुरुआत की थी और कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और क्या इसका मोटिव है। जी जी, नमस्कार। पहले तो आपको सभी को धन्यवाद कि आप इतना अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पूरे मेले को। देखिए, ये उत्तराखंड प्रधान स्टोर हम लोग पिछले 7 सालों से करते आ रहे हैं। हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि जैसे टिकटॉक जैसे या इंस्टाग्राम जैसे लोग इस रील को जब बनाते थे तो अपने आभूषणों को नहीं पहनते थे, अब धीरे 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 आजकल की हमारी युवा पीढ़ी भी हमारे पहाड़ी आभूषणों को पहनने लग गई है। तो इसी तरीके से हमने जितने भी विलुप्त होते आभूषण है, ये देखिए जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार का तीनों परिधान इन्होंने पहने हुए हैं। तो हमारा यही मोटिव है कि अपनी बोली, भाषा और संस्कृति के लिए हम लोग काम करते रहे। आने वाली पीढ़ी है जो हमारी, उसको क्या मैसेज देना चाहिए? उसको मैसेज ये देंगे कि आप हमारे जब पहाड़ में शादी हो, कुछ हो, अपने पारंपरिक पहाड़ के आभूषण जरूर पहने, क्योंकि ये शुभ कार्य से ही रिलेटेड है, शुभ कार्य से रिलेटेड है। तो जब भी आप कभी हमारे यहाँ हल्दी हाथ लगता है, सब कुछ लगता है, तो वो अपने मतलब पहाड़ के आभूषण ही पहने, जिससे कि हम लोग पहाड़ के जितने भी जो लोग हैं इसके लिए काम कर रहे हैं उनको भी बढ़ावा मिलता रहे। आप देख सकते हैं हमने कितना प्यारा ड्रेसअप करा है। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि थोड़ा सा इस ड्रेसअप के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्तराखंड। जी धन्यवाद आपका। मैम, आपने जो ड्रेसअप का लुक लिया है इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम, ये कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जो ब्लूप्स हो रही है वो मैंने ड्रेस डाली है, अपना पूरा आभूषण मैंने पहना है। और ये कि मैंने नथ गुलबंद, हसली और ये बुलाक मैंने डाली हूँ जो विलुप्त हो गई, मतलब ये कहीं नहीं दिखेंगी, अब जाके हम लोग पहन रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी सभी को कि आप सब पहने और अपने आने वाले जो पीढ़ी है हमारी उनको भी पहनाने की कोशिश करें और उनको भी बोले कि हाँ ये लेनी लेना है और पहनना भी है। जी, आप लोग नथ बनाते हैं और कितने लोग आपके साथ इस काम में जुड़े हुए हैं? अभी तो फिलहाल हम स्टार्टिंग हमारा 7-8 साल से हमारा काम है, ऑनलाइन भी देते हैं ऑल इंडिया, और अभी हम खुद से ये डिज़ाइन करते हैं। एक कारीगर भैया हमने रखा है, वो बनाते हैं हम लोगों के लिए। जी,